नमस्कार दोस्तों, मैं राशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों 2022 खत्म होने वाला है, या यूं कहें कि 2022 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इन दिनों में हर कोई यही सोचता है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। हर कोई यही चाहता है कि आने वाला साल अच्छा रहे, तरक्की के नए रास्ते खुले, धन की कोई कमी ना हो। हर व्यक्ति सोचता है कि व्यक्तिगत जीवन में उसे किसी भी तरह का उतार चढ़ाव देखने को ना मिले। प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन किस करवट बदलेगा, आइए जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला साल यानी 2023 कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो दोस्तों माता पिता का इन जातकों को पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार में मांगलिक कार्य रहेंगे। यह वर्ष आपके लिए पारिवारिक जीवन बहुत ही बढ़िया रहेगा, या यूं कहें कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों इन जातकों के लिए परिवार में मान सम्मान रहेगा, परंतु साल के मध्य यानी साल के बीच में रिश्तों में कुछ बदलाव आएगा, जमीनी विवाद बनेगा, शांति बनाए रखें। बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, जनवरी महीने के बाद सफलता मिल जाएगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ जो लोग व्यापारी हैं या जिनका व्यवसाय है, उनको उत्तम लाभ होगा। शुरुआत में थोड़ी सी समस्या रहेगी, लेकिन उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आने वाले समय में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बात करते हैं विवाह राशि पर। शादीशुदा लोगों के लिए 2023 सामान्य रहेगा, या यूं कहें कि थोड़ा बेहतर हो सकता है। रिश्तों में कुछ तनाव मिलेगा। जो लोग निसंतान हैं, उनके लिए घर में खुशखबरी आएगी, और जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए साल में विवाह के योग बनेंगे। यानी जिनकी शादियां नहीं हुई या किसी अड़चन से रुक गई हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। स्वास्थ्य राशि पर दोस्तों, हर कोई चिंतित होता है कि आने वाले साल में उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों इन जातकों के लिए सांस की समस्या लेकर ये साल आ रहा है, या यूं कहें कि उन्हें थोड़ी सी त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। यात्रा और ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रहे, मारपीट से खतरा रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहे। इसके साथ ही शिक्षा और करियर की बात करें, जो लोग उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं या प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। अप्रैल महीने के बाद जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनराशि की। जो लोग धन के बारे में सोचते हैं, उनके लिए बता दें कि ये परेशानियां खत्म करने वाला साल है, या यूं कहें कि इस साल उनकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। पर कुछ जातकों के लिए ये साल परेशानी से भरा भी होगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस साल पैसे खर्चते समय थोड़ा सा विचार करें। इसके साथ आता है शुभ रंग। इन जातकों के लिए शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा हरा, शुभ रत्न होगा पन्ना। रत्न धारण करते समय ध्यान रहे, किसी अच्छे सलाहकार से जरूर सलाह लें। इसके साथ दोस्तों शनिवार के दिन अपाहिज लोगों को दान करें, साथ ही भगवान गणेश का पूजन करें। बाकी ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा।